बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। What do you guys need? Popcorn, slushy. Can I have a slushy? Slushy? What about cotton candy? Yes, I want slushy. Well, how many? Two? I'll give you two of both, okay? Okay. Two slushy and two cotton candy. Yeah, okay. बेटे के वॉलंटियर आवर्स कंप्लीट करने हैं उसने स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए। यहाँ पे कनाडा में हाई स्कूल में ग्रेड 9 to 12 आपको वॉलंटियर आवर्स 40 आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। आप किसी भी फलाही इदारे में कहीं पे भी एज अ वॉलंटियर काम करना पड़ता है आपको। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच शुड बी अडॉप्टेड, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए एज अ कंपल्शन इन हाई स्कूल, स्पेशली ग्रेड 9 to 12, क्योंकि ये बच्चों को बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो आज के आवर्स हमने ऑप्शन मिली है कंप्लीट करने के लिए, वो एक मॉस्क है जिसमें फलाही काम होता है, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ईद के बाद मॉस्क में, तो उसके लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं एज ए वॉलंटियर। तो उसके लिए मेरे बेटे ने एनरोल कर किया था अपने आप को, तो मोस्ट लाइकली उसको उसके अगेंस्ट कुछ आवर्स भी मिल जाएंगे, प्लस एक फलाही काम भी हो जाएगा। चलो आपको टिप्स दूँ वॉलंटियर काम के लिए, ठीक है। वॉलंटियर काम के लिए टिप्स ये हैं कि जो भी आपको काम दिया जाए ना, ऑनेस्टली फुल डिवोशन से करना है, पूरी स्ट्रगल लगानी है कि वो बेस्ट हो काम, उसको पूरा क्या कहते हैं उसको, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पूरा हलाल करना है काम को, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे आपको उन्होंने कोई काम असाइन किया है कि पैकिंग करनी है कुछ, ठीक है, तो आपने उसको कोशिश करना है कि उसको अच्छी तरह जैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो अप करके आपने उसको प्रॉपर तरीके से कम टाइम में करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। ओके ओके, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, यू आस्क देम, ओके, काम गलत करने की बजाय आप उनसे बार बार पूछो, दैट इज़ ओके, बट काम सही होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली अगर आप उसको काम अच्छे तरीके से करोगे ना, जो साइन करेंगे वो टास्क आपको, अगर वो आप अच्छे तरीके से करते हो तो वो आपको नेक्स्ट टाइम भी अपॉर्चुनिटी के लिए कंसिडर करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आप कोई ऐसे करोगे वो जिसको कहते हैं पंजाबी में गलो लाओगे, ठीक है, ओके यार बस ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट कंसिडर यू। सो इवन समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपने अपने आवर्स कंप्लीट करने हैं, शॉर्ट हो आप आवर से, तो अगर आपका काम अच्छा है, ठीक है, देन एंड इस सेंटर के पास आवर्स, इस सेंटर के पास कोई इवेंट नहीं है स्केड्यूल्ड, ठीक है, तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं दूसरों को कि ही डिड वॉलंटियर वर्क विद अस और इसने बहुत अच्छा काम किया था, समझ आई? तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि अपना फुल ऑनेस्टी से टाइम को प्रॉपर तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है। जो काम वो टास्क असाइन करेंगे आपको उसको गौर से समझना है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है आप उनको बार बार पूछो, बिकॉज इट्स योर राइट, इंस्टेड ऑफ कोई काम गलत करने के बजाय आप उसको क्लेरिफाई कर लो बार बार पूछने से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। एंड हेल्प अदर पीपल, समवन एल्स इज यू नो नीड एनी हेल्प ओवर देयर विद देयर परमिशन, ओके, हेल्प हिम। और अपना फ़ोन अपने पास रखना, ऑन रखना उसको, जब आप फ्री हो जाओगे वहाँ से तो मुझे कॉल करके बता देना, ओके। अननोन कॉल जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करनी मम्मा और बाबा के नंबर के अलावा, यू गॉट इट राइट? अननोन कॉल्स बहुत आती हैं आजकल, ओके, सो बी केयरफुल। मैं साथ जा रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, विल सी, जाके किसी के भी माथे लग जाएंगे जो हमें गाइड कर सकता है यार। ले जी, बेटे को वॉलंटियर काम के लिए छोड़ दिया, तो अब 4 घंटे उनका काम है यहाँ पे, वो मेहनत करेंगे इधर, और इससे उनको पता चलेगा जनाब फ्यूचर में कि ख़िदमत-ए-खल्क का क्या मतलब है, और इसका
शौक थोड़ा सा पैदा होगा उनमें. What do you guys need? Popcorn, slushie. Can I have a slushie? Slushie? What about cotton candy? And yes, I want slushie. Well, how many? Two? I'll give you two of both, okay? Okay. Two slushie and two cotton candy. Yeah. Okay. जी तो व्यूअर्स, आई थिंक वॉलंटियर वर्क जो है वो पाकिस्तान में भी कंपल्सरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए. ठीक है, स्पेशली ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक, प्लस डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी ये ज़रूर, देर शुड बी समथिंग सिमिलर टू दिस वन. इससे बच्चों को बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ का, सोशल कम्युनिकेशन का, सोशल गैदरिंग में कैसे आपने बिहेव करना है, और स्पेशली वॉलंटियर वर्क क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं उनको मिलते, उसमें थोड़ा सा खिदमत खल्क का भी जज्बा पैदा होता है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान में एटलीस्ट ये प्रोग्राम ग्रेड 9 से लेके ऑनवर्ड्स ज़रूर होना चाहिए हर लेवल पे. जैसे यहाँ पे ग्रेड 12 तक 40 घंटे हैं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये आपको 40 घंटे पूरे करने होते हैं. तो इनके लास्ट जो सेशन था, क्योंकि ग्रेड 9 में सिचुएशन ऐसी थी कि कहीं आउटसाइड जाके वो काम नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो उस केस में उन्होंने जो यहाँ पे 10 आवर्स दिए थे कंप्लीट करने के लिए, वो ये था कि बच्चों को बोला था कि आप ज़मीन पे आपने 10 दिन सोना है. हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे कैनेडा में है या आउट ऑफ पाकिस्तान है, स्पेशली जो अमेरिका कनाडा में या इवन यूरोप में है, उनको ज़मीन पे सोना जो है ना वो मायूस सा फील होता है. नो डाउट मेरे बच्चे ऑलरेडी वो ज़मीन पे ही सोते हैं, और ये नहीं है कि उनके पास बेड नहीं है, उनके पास अलग बेडरूम है, दे हैव सेपरेट बेड्स और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रूम है उनका, आपने अक्सर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी होगा. लेकिन उनको शौक है खुद से कि वो ज़मीन पे सोएं. तो मेरे बेटे की इस असाइनमेंट से पहले ही कि ज़मीन पे आपने सोना है 10 आवर्स तक, आई थिंक सिंस रमजान दे स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, तो उसके लिए वो 10 आवर्स कम्प्लीट करना इट वॉज नॉट हार्ड. जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क करते थे. हाँ, पाकिस्तान में आप जब उनको इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज करते हैं तो मेक श्योर यू स्टिल कीप एन आई, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसमें लोग कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, और वो उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. तो आपने ये नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया है और बस जी उसको खुद ही वो वॉलंटियर वर्क पे लगा हुआ है, नहीं, आपने ये ज़रूर देखना है कि उसमें लोग कौन है जो वॉलंटियर वर्क करवाने वाले हैं, उस वो इंस्टीट्यूट कैसा है और उसको काम क्या दिया जा रहा है. गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट हो सकता है, क्योंकि यूथ के पास, यंग जनरेशन के पास बहुत सी ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि इंटरनल जो वर्कर्स होते हैं जो कि सालों साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास वो आइडियाज़ नहीं ना हो, शायद हो सकता है कुछ ऐसी सजेशन दें जो कि उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, प्लस उस इंस्टीट्यूट के, उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस गवर्नमेंट इदारे के एक्सपेंसेस भी कम होंगे. वॉलंटियर वर्क के लिए मैंने नोट किया है जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा सिंसियरली काम करते हैं. उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैं अपने बेटे को बता रहा था कि अगर आप सिंसियरली काम करोगे तो आपको वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वॉलंटियर वर्क के लिए भी कॉल करेंगे, या अगर उनके पास वॉलंटियर वर्क नहीं है, आपको कहीं पे जॉब के लिए कहीं पे काम करना है या कहीं पे आगे अप्लाई करना है तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं. वॉलंटियर वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मोहल्ले में अपने सफाई का करवा सकते हैं, ठीक है, एक वीक में एक दिन रख लें 2-3 घंटे अपने घर के बाहर से, अपने अपने घर के स्पेसिफाइड एरिया में से वो सफाई कर लें, वो एक वॉलंटियर वर्क है. इससे आपका इलाका भी साफ रहेगा और हो सकता है कि किड्स जो हैं वो कुछ अपने तौर पे ऐसी चीजें बना लें में हेल्पफुल साबित हो सफाई के लिए. Slushie? What about cotton candy? And yes, I want slushie. Well, how many? Two? I'll give you two of both, okay? Okay. Two slushie and two cotton candy. Yeah, okay. Jeet of yours.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा. चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे. अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, मुझे, मेरे घर वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़.